हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का सीन कुछ ऐसा जो आप सभी के लिए बिल्कुल नया था। आज की खास वीडियो में चीज को जानेंगे समझेंगे। जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं कि इसमें मुजफ्फरपुर कुछ जगह पर आ गया हूं जहां आपको एक नई जानकारी मिलेगी, तो आप सभी वीडियो के साथ बने रहे क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास महत्वपूर्ण है। चलिए मैं आपको नई चीजों के विषय में बताता समझाता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा और आप सभी वीडियो के साथ बने रहिए। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैं इस समय मुजफ्फरपुर की उस जगह पर आ गया हूं जहां पर आपको एक नई जानकारी मिलेगी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार है और इस फैसिलिटी की सुविधा का आप लाभ ले सकते हैं। जैसा कि आपको वीडियो के थंबनेल टाइटल से पता चल गया होगा, तो मैं यहां की जो ऑनर है मैं उनसे बातचीत करता हूँ कि आप सभी के लिए क्या नई जानकारी है। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए और चलिए मैं इनसे बातचीत करता हूँ। आपका क्या नाम है सर? सुजीत कुमार वर्मा। सुजीत कुमार वर्मा जी, बताइए अभी हम लोग कहाँ पे हैं? अभी मुजफ्फरपुर में आप आम गोला हरिसभा रोड अपोजिट जवाहर पिक्चर पैलेस के एकदम सामने, जस्ट ओवर ब्रिज के नीचे। ओवर ब्रिज के नीचे, और यह 2000 में इसका नाम भी था मिलेनियम पुल पैसा। तो यह 2000 ईस्वी में खोले थे, लेकिन किसी कारणवश हम उसको बंद कर दिए थे क्योंकि उस हॉल में ओप्पो मोबाइल सर्विस सेंटर का लग गया था और 4 साल लेट हो गया। 4 साल के बाद इसको पुनः स्टार्ट किए, या कहने के लिए तो 4 साल है लेकिन हम 2000 ईस्वी में इसका स्टार्ट किए मुजफ्फरपुर में फर्स्ट टाइम। अच्छा, आपके यहाँ किस तरह की फैसिलिटी है? मेरे यहाँ एकदम फैमिली इंटरटेनमेंट है। बच्चों को, लड़कों को इंटरटेनमेंट के साथ सिखाते भी हैं, या इंटरनेशनल गेम है, या गेम जो है सो बहुत पुराना है। बड़े बड़े शहरों में तो बहुत पॉपुलर है लेकिन मेरे यहाँ चूँकि शुरुआत से है तो हम इसको चाहते हैं कि जितना इसको लोग जाने समझे, और इसको हम स्टार्ट किए हैं और स्टार्ट के साथ साथ हम सिखाते भी हैं। ये फैसिलिटी मेरे यहाँ है। आप किस किस तरह के यहाँ सिखाते हैं गेम? हम यहाँ स्नूकर सिखाते हैं, पूल सिखाते हैं। पूल सिखाते हैं, दो चीज़ सिखाते हैं। दो चीज़ सिखाते हैं। और अगर डिमांड हो लोगों की डिमांड हो और फैसिलिटी की अगर डिमांड करे तो आगे बढ़ा भी सकते हैं। हाँ, आगे इसको बढ़ाने का भी प्रोग्राम है, लेकिन इसके हॉल का लिमिटेशन है कि ये छोटा सा है। इसमें एक पूल और एक स्नूकर का फैसिलिटी है और उसको हम सुचारू रूप से और अच्छे ढंग से चलाते भी रहे हैं और आगे चलाते भी। अच्छा, ये बताइए आपकी यहाँ जो गेमिंग का जो सेंटर है, तो ये कब से टाइमिंग क्या है, कब से कब लोग आ सकता है? सुबह 10 बजे से रात के 9:30 बजे। 9 बजे तक। इसमें सिर्फ बॉयज या बॉयज आ सकता है या गर्ल्स भी आ सकते हैं? यह किसी भी, यह कंप्लीट फैमिली इंटरटेनमेंट है। इसमें बॉयज, गर्ल्स, बच्चे ये सभी लोग आ सकते हैं। जिसको जानकारी है वह बाहर, चूँकि आजकल बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर से लोग आते हैं, खेलते हैं, हमसे ज़्यादा लोग भी जानते हैं और हम चाहते हैं कि जो नहीं जानते हैं तो हम अपने शहर में लोगों को सिखाए और आगे इसको खिलाए। यह मेरा, इसमें हमारा बहुत इंटरेस्ट रहा है और कोशिश रहेगा कि सबको सिखाए। अच्छा, अच्छा सुनील कुमार वर्मा जी, बताइए ये जो आप यहाँ गेम जो सिखाते हैं, आपका ये सेंटर है ये, तो यहाँ पर अगर कोई बच्चा अगर खेल कर आगे बढ़ना चाहे और उसमें करियर बनाना चाहे तो इसमें क्या करियर के क्या स्कोप है? एकदम करियर का स्कोप है। वह स्टेट खेल सकता है, वह नेशनल खेल सकता है, वह इंटरनेशनल खेल सकता है और इसके, यह गेम एकदम ओपन होता है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और स्नूकर पूल आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, वह यूट्यूब पर देख ले, स्नूकर देख ले, पूल देख ले, बिलियर्ड देख ले, और सीख के स्टेट भी खेल सकता है, नेशनल भी खेल सकता है, इंटरनेशनल भी खेल सकता है और इसका डिमांड बहुत ज़्यादा भी है। अच्छा, इसका जो आप यहाँ कोई आकर सीखता है, एंटरटेनमेंट करता है इस गेम्स के थ्रू, कुछ लर्न करता है, इसका चार्ज वगैरह क्या है? इसका चार्ज कहने के लिए तो यह 60 रुपीज पर आवर है, लेकिन हम उसमें भी जो इंटरेस्टेड होते हैं, जिसके पास नहीं भी है उसको बहुत सपोर्ट करते हैं, उसको सिखाते हैं। और इसमें जो भी इंटरेस्टेड हैं उनको तो हम हर हालत में बहुत सपोर्ट करेंगे, खिलाएंगे। पैसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, अगर पैसा नहीं भी है तो वो भी सीख सकते हैं। और ये बात सिर्फ हम कहते नहीं, हम करके दिखाना चाहते हैं। और कोई भी आपके चैनल के थ्रू आएंगे तो उनको स्पेशल फैसिलिटी भी देंगे, हम टाइम भी देंगे, हम दूसरे को थोड़ा सा ब्रेक करके, चूँकि वो रेगुलर प्लेयर है, लेकिन आपके चैनल के थ्रू आएंगे तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम मैक्सिमम टाइम देके उनको सिखाएंगे और अच्छा तरह से सिखाएंगे। अच्छा सुनील कुमार वर्मा जी, आप यहाँ कि कैसे खेलते हैं, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। देखिए, ये जो ग्रीन टेबल है उसको स्नूकर कहते हैं। स्नूकर कहते हैं ग्रीन टेबल का? ग्रीन टेबल स्नूकर कहते हैं। इसका बॉल प्लेन होता है। अच्छा, प्लेन होता है। प्लेन होता है, जैसे बॉल लेते हुए दिखाइए। इसमें देखिए कि ये प्लेन बॉल है,
और इसमें 6 कलर अलग अलग पॉइंट ऑफ वैल्यू का ये बॉल है। अच्छा, अलग अलग कलर होने का कुछ मतलब है इसमें? हाँ, इसका मतलब है कि जब तक रेड बॉल है तब तक ये लाइव है या फिर निकलता रहेगा, जिसमें इसमें वैल्यू होता है 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6 और इसका 7। यही 6 बॉल का गेम है, ये स्नूकर कहलाता है। पूल बॉल में नंबरिंग होता है, यहाँ के बोलिए, ये पूल बॉल में नंबरिंग होता है, इसको 15 बॉल गेम कहते हैं। तो 15 बॉल में एक चेक होता है, एक प्लेन होता है, एक चेक होता है, एक प्लेन होता है, और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो लास्ट में बुलाया जाता है, उसको 8 नंबर बॉल बोलते हैं। ये हमारा पूल है और ये स्नूकर है। इसको पूल कहते हैं पूरे सेटअप? पूरे सेटअप को पूल और इस ग्रीन वाले को स्नूकर कहते हैं। ये पॉकेट हो गया, 6 पॉकेट सब में होता है, स्नूकर में भी, पूल में भी। और ये इसका कुशन होता है जिसमें बॉल इसको रोल करता है, और सेम चीज़ उसमें भी होता है। फर्क ये होता है कि साइज उसका स्नूकर का बड़ा होता है, पूल का पूरे वर्ल्ड में 4x8 ही होता है फीट। इसकी इतना ही मेजरमेंट किया गया? हाँ, वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 5x6x12। हम इसका टूर्नामेंट कराए थे, बहुत लोग आए थे, बहुत भव्य लोग भी आए थे यहाँ। हमारे यहाँ बहुत सारे प्लेयर आए थे, उस प्लेयर को खिलाए। उसमें इसका चैंपियन रहे राजा जयसवाल, अमजद हुसैन, ये लोग बहुत ही अच्छे प्लेयर में से हमारे यहाँ काउंट होते हैं, और उनका अच्छा रोल रहा है और अच्छा खेलते थे, और पहुंचे राजा जयसवाल चैंपियन भी हुए थे। सुनील कुमार जी, बताइए क्या है इसका, क्या यूज है? ये फ्रेम है, इसी में बॉल रखकर इसको बॉल को सेट किया जाता है। उसका पॉइंट बना हुआ है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट में हम इस बॉल को रखते हैं, सारे बॉल को रखते हैं। रेड बॉल इसमें रहता है, और ये बॉल आपको हम कलर को हटा देते हैं, और कलर बॉल का जगह स्पॉट होता है, आप इसको देख लीजिए। इसमें 15 बॉल होता है, ये 15 बॉल का जगह यहाँ पॉइंट बना हुआ है, यहाँ लग जाता है, और ये आप इसको देख सकते हैं, 7 नंबर, ये 6 नंबर, ये 5 नंबर, 4, 3 और 2, और इसको हम इसका क्यू बॉल इसको कहते हैं, और इस क्यू बॉल को यहाँ से स्टार्ट करके इसी डी, इसको डी कहते हैं, पूरा लाइनिंग किया, इसे बॉर्डर किया हुआ है, ये डी है, इसी डी के अंदर इसी सर्किल में इसको रहना है लाइनिंग से, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये इसका क्यू बॉल है, और इसका ये स्टिक है, ये स्टिक है। ये इसमें कितने तरह का स्टिक आता है? ये वैरायटी ऑफ स्टिक होता है, अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग वैरायटी होता है। इसमें ये लगा हुआ है, इसमें ये लगा हुआ है, सिंगल है, क्या है इसका मतलब, क्या होगा? ये दूर होने के कारण जो बॉल के पास नहीं पहुंचे, इसको रेस्ट करते हैं, इसको स्पाइडर करते हैं। ये दोनों का बनावट ये ऐसा होता है। पहले आप देख लीजिए कि हम स्टिक पर स्टिक स्लिप नहीं करें, इसलिए इसको चौक करते हैं, चौक लगाते हैं, इसके ऊपर ये टिप्स लगा हुआ है। अच्छा, इसको हम कोट करते हैं, थोड़ा रफ करते रगड़ते हैं, नहीं रफ नहीं, इसको कोट करते हैं, ये कोट होता है, ये चढ़ता है। अच्छा, और जैसे ही चढ़ेगा तो ये स्लिप नहीं करेगा, स्लिप नहीं करेगा। इसमें जनरल पाउडर का भी यूज किया जाता है, जो आप हाथ में लगाइए ताकि थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। अच्छा, पाउडर लगाया जाता है। ये फ्रेम को हम हटा देते हैं, या अब जब तक ये बॉल खत्म नहीं होगा तब तक ये दूसरा फ्रेम लगेगा, और आपको हम यहाँ से स्टार्ट करके दिखला देते हैं, जो आप देखिए बहुत बारीकी से। इसको स्टार्ट करने का तरीका है कि हम इसको स्टार्ट करें। अजीत कुमार वर्मा जी, बताइए किस किस एंगल से अब जो चारों राउंड है, चार साइड है, किस किस साइड से आप स्टिक से बॉल पर प्रेशर डालते हैं? ये बॉल का प्रेशर उसी पर होगा जहाँ जहाँ क्यू बॉल जाएगा, हमको वहाँ वहाँ जाना है। हम क्यू बॉल को, ये क्यू बॉल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, जब क्यू बॉल को, क्यू बॉल से ही रेड का पोजीशन लेना है, एक रेड लेकर कलर लेना है, कलर का वैल्यू अलग अलग है, वहाँ से हम उसको काउंट, जो आपने शुरू में बताया जी वही है नंबर। जैसे हम इसको पिलाते हैं, ये पिला लिए, तो अब हमको यहाँ से सोचना है कि इस कलर में कौन सा हमारे हमको आसान पड़ेगा, कौन पिल रहा है, हम उसको स्ट्राइक करेंगे, वहाँ काउंट होगा। हमसे अगर नहीं पिल पाएगा तो हमारे सामने जो खेल रहे हैं बच्चे, वो स्टार्ट करेंगे दूसरे तरीके से। जैसे हम इसको फिर यहाँ से लेकर येल्लो को मारेंगे, जिसका वैल्यू 2 है,
ये वैल्यू। अब हमसे वो नहीं पिला तो अब हमारे जो सामने खेल रहे हैं अपोजिट जो है वो खेलेंगे। अभिमन्यु जी वो स्टार्ट किए, जैसे तू उसको कर लिए खुलने के बाद यहाँ स्टैंड पर अटक जाता है बॉलर, रुक जाता है बॉल, रन होके इसमें आ जाता है, इसको जरूरत पड़ने पर हम निकाल कर पुनः रख सकते हैं। रख सकते हैं जी। अच्छा बताइए, जब स्टिक पकड़ने का स्पेशल ट्रिक होता है कैसे पकड़ते हैं? इसको ये पकड़ने के लिए हमको यहाँ ऐसे इसको रखना होता है, ऐसे रखना पड़ता है और इधर से प्रेशर देना पड़ता है। हाँ, क्योंकि इसको हम नीचे भी कर सकते हैं, इसको ऊपर भी, जिस एंगल पर उसे सब ले सकते हैं। जी जी जी, जिस एंगल पर हमको करना है उसी एंगल पर हम करेंगे और उसी को स्ट्राइक करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि इन्होंने बताया कि स्नूकर क्लब जो यहाँ सेंटर है और यह गेम कैसे खेल सकते हैं, इसकी क्या प्रक्रिया, इसमें करियर वगैरह क्या बना सकते हैं, तो इसके विषय में आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, एड्रेस रहेगा, आप यहाँ आकर इनसे संपर्क कर सकते हैं। इन्होंने जैसा बताया कि सभी को ये हेल्प करते हैं, इस गेम में लोग करती है जो एक रुचि है वो जगाते हैं और इसमें आप करियर बना सकते हैं, देश विदेश में अपने गांव समाज परिवार अपने राज्य और स्टेट का देश का नाम रोशन कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं, जैसा कि आपने इसमें देखा समझा। और यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके मन में किसी तरह के सवाल हो तो हमें कमेंट कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब देने का वीडियो के माध्यम से। यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अगर चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।